प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, सुबह से शाम तक काफ़ी मेहनत मानव मात्र कर रहा है, दौड़ रहा है इस भाग दौड़ भरी हुई जिंदगी में, और इसके बाद भी उसको लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। यही सोचता है, क्या करूं, कैसे करूं, कहां करूं, किससे पूछूं, परंतु छोटे छोटे उपायों के माध्यम से उसको लाभ मिलते हैं। मेरे बहुत से यजमान विदेश में भी बैठ करके और हमसे कांटेक्ट में होकर के वे लाभ प्राप्त करते हैं, और उनके फ़ोन आते हैं, बोलते हैं, गुरुजी पहले से मैं काफ़ी बेटर हूँ, पहले से बहुत अच्छा हूँ। तो ये उपाय अगर आप भी करते हैं तो क्यों आप भी बेटर और अच्छे नहीं हो सकते? आपका भी स्वभाव अच्छा हो सकता है। आपके परिवार में अगर ये समस्याएँ हैं तो इनको दूर करिए, महालक्ष्मी आपके ऊपर निरंतर ही कृपा करेगी। ब्रह्मवर्तक पुराण के अनुसार आपको बताते हैं कि कुछ लक्ष्मी देवी के नाराज होने का कारण जिससे वह आपको छोड़कर चली जाती है। पूजा से संबंधित किसी भी वस्तु या देव प्रतिमा को अपने घर लाएं या कोई पूजन का सामान लाएं, तो उस पूजन के सामान को या कोई भी देव प्रतिमा को उसको डायरेक्ट जमीन पर ना रखें, उसको किसी पात्र में रखें, कपड़ा बिछा करके रखें, ऐसे स्थान पर रखें, डायरेक्ट जमीन में ना रखें। दूसरी बात, ढलता हुआ सूरज या ढलता हुआ चंद्रमा कभी नहीं देखना चाहिए। ढलता मतलब हमारे जीवन में उसका कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई अंतर आ रहा है। ढलता हुआ हमारी जिंदगी भी जैसे शाम हो रही है तो ढल रहा है, वो उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। चंद्रमा भी ढल रहा है तो उसका दर्शन नहीं करना। मित्रों, रविवार के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। घर परिवार की तरक्की रुक जाती है, सम्मान कम हो जाता है, पैसे की दिक्कतें आनी चालू हो जाती हैं। बाहर से आने पर जब हम घर के अंदर प्रवेश करें, बाहर से आए कहीं से और अपने घर के अंदर आए, तो सबसे पहले हमको जूते उतार करके निकाल करके बाथरूम में जा करके अपने हाथ पैर धोने चाहिए। इससे क्या होता है कि घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। आपने बाथरूम में जाकर के हाथ पैर धुल लिए, फिर इसके बाद में आप दूसरा काम करिए। सूर्य अस्त और दिन में पत्नी के साथ, सूर्य अस्त होते समय और दिन में पत्नी के साथ भी कभी भी समागम ना करें। स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। जो महिलाएं घर में अशांति फैला करके रखती हैं, बिना वजह कलह किया करती हैं, लड़ाई झगड़ा किया करती हैं, वहां से भी देवी लक्ष्मी रूठ जाती हैं और दूर चली जाती हैं। जिस घर में बुजुर्ग महिलाओं और मेहमानों की निंदा होती है, उनका अपमान किया जाता है, वहां से भी देवी लक्ष्मी रूठ जाती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इन छोटे छोटे उपायों से अपनी आदतों को सुधारें और देवी लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगा।